डिंपल यादव को वोट देने पर काटी गांव की बिजली। मैनपुरी के ग्राम भारापुर जरारा में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को वोट देना महंगा पड़ गया। पूरे गांव की विद्युत सप्लाई बीते 15 दिनों से बंद पड़ी हुई है और दिन ढलते ही पूरा गांव अंधकार में हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जब विद्युत विभाग के अधिकारियों से विद्युत सप्लाई जारी कराने की मांग की तो उन्होंने सीधे डिंपल यादव से ही सप्लाई चालू करा लेने की बात कर दी। अब पीड़ित ग्रामीणों ने डिंपल यादव से मामले की शिकायत की तो डिंपल यादव खुद गांव पहुंच गईं और ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी मैनपुरी को फोन कर विद्युत सप्लाई जारी कराने की बात कही, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी गांव की विद्युत सप्लाई अभी शुरू नहीं की गई है। अब विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता रवि प्रताप का कहना है कि गांव के लोगों का बिजली का बिल बकाया है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर की सप्लाई बंद की गई थी। संभवतः कल तक गांव के लोगों का 50% बिल जमा हो जाएगा और विद्युत सप्लाई जारी कर दी जाएगी। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम भोला सिंह है। किस गांव के निवासी? भारापुर के निवासी सर। अच्छा, भारापुर में लाइट 15 दिनों से नहीं आ रही, क्या वजह है? वोट के चक्कर से हुआ सर, हमने इसको दे दिया, डंपल को वोट दे दिया है तो उसकी वजह से हमारी बिजली काट दी, हम लोग बहुत परेशान है। अच्छा। हाँ। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी से भी सूचना की, सबसे सूचना हमारी कोई सुनता ही नहीं, आते हैं और लाइट काट के चले जाते हैं, हम लोग बहुत परेशान। अच्छा, क्या कह दिया है? तो नहीं आ रही लाइट? अब क्या बता दें सर, ऊपर वाले ऊपर ही जाने, हम तो परेशान है, लाइट से भी परेशान है, हर चीज से परेशान है। कब आएगी लाइट? लाइट का कोई पता नहीं सर, कब दे सके, कब जोड़ सके। गाय इतनी परेशान सर कर रही है, हम लोग टॉर्च भरने के लिए परेशान है, सब दिन हमको खेतों पे हो जाते हैं, हमारी गाय की भी सुनवाई नहीं होती है, गौशाला का भी सुनवाई नहीं होती है, हम लोग बहुत ही परेशान है सर। क्या नाम है आपका? शंकर सिंह। कौन से गांव के निवासी? भारापुर के। भारापुर में लाइट नहीं 15 दिनों से आ रही, क्या वजह है? वजह यह है कि पहले कहते थे कि तुमने बीजेपी को वोट दे दिया, अब कहते हैं तुमने डिंपल को वोट दे दिया, इसलिए लाइट डिंपल से जुड़वा लो। अच्छा, आप लोगों ने किसी से कहा, शिकायत की कि लाइट नहीं आ रही? लाइनमैन के भी पास गए हैं और भी कही है, तो मतलब जो है बीच में डिंपल आई थी तो बोल गई थी जुड़वा लेना, हम डीएम साहब को बोल देंगे, लेकिन हमने प्राइवेट लोगों से बुलवा के और लाइट भी जुड़वा ली, फिर कल काट गए। अच्छा। हम लोग मोबाइल भी सब चालू नहीं कर पाते हैं और हमारी जो टॉर्चें जो हैं गाय भगाने के लिए वो भी नहीं चालू हो पा रही हैं, सब खेत गाय खा जा। सर, एक गांव है जरारा करके, उसमें बीते 15 दिनों से विद्युत व्यवस्था नहीं है, विद्युत सुचारू रूप से नहीं चल रही, ग्रामीण परेशान है, क्या रीजन रहा, क्या कार्रवाई हो रही है? जैसा कि मुझे संज्ञान में आया है, ग्राम ये लाऊ ग्राम भारापुर जो है जरारा में जो है विद्युत सप्लाई जो है नहीं दी गई है या काटा गया है। संज्ञान में आया है कि इसमें 99 उपभोक्ता हैं, जिसके अंतर्गत जो है 93 उपभोक्ता जो है नेभर पेट के अंतर्गत में हैं, और उसमें भी जो है 94 ऐसे उपभोक्ता हैं जो 10,000 से ज़्यादा बकाए जा रहे हैं, और बाकी जो अवशेष जो है 5 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 5,000 से ज़्यादा बकाए जा रहे हैं। तो बकाए पे जो होने के फलस्वरूप जो है इस ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे विद्युत बाधित है, और जैसे उम्मीद किया जा रहा है कि कल तक जो है उपभोक्ता जो है 50% तक जमा कर देंगे और इसे विद्युत संयोजन सुचारू रूप से चालू कर। ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डिंपल को वोट दिया था, डिंपल भी वहां पहुंची तो उन्होंने डीएम साहब को विद्युत व्यवस्था चालू करने के लिए निर्देश दिए थे, फोन भी किया था। विद्युत विभाग जो है अपने जो निर्देश दिए जाते हैं राजस्व वसूली संबंधित, तो विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में जो है समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, हम लोग यथा उचित जो है विद्युत जो प्राप्त होती है उसके अनुसार जो है शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है, और जो है राजस्व को लक्ष्य को देखते हुए बकाए का विद्युत का विच्छेदन करना हमें समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे, इसी कार्यक्रम में जो है विद्युत का विच्छेदन किया गया है और इसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90,
मथुरा।